इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कैसे हम डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं अपने कंप्यूटर या पीसी से। सबसे पहले आपका सिस्टम जो है स्कैनर से कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर मेरे पास प्रिंटर है, एचपी का लेजर जेट प्रिंटर, मॉडल नंबर है M1005। जब आप स्कैनर को ओपन करोगे पेपर रखने के लिए, तो यहाँ पर आपको कुछ साइन दिखेंगे। ये जो साइन है ये पेपर के साइज को शो करते हैं, और ये वाला जो साइन है ये बताता है कि हमको पेपर को कैसे रखना है प्रिंटर के अंदर। यहाँ पर हम जाएंगे स्टार्ट के अंदर, स्कैन लिख के हम सर्च करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा विंडोज फैक्स एंड स्कैन। इसको ओपन करेंगे, आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन है न्यू फैक्स और न्यू स्कैन का, तो हम न्यू स्कैन के ऊपर क्लिक करेंगे। जो भी आपका प्रिंटर अटैच होगा आपके सिस्टम के साथ वो यहाँ पे दिख जाएगा। प्रोफाइल के अंदर हम सिलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट, सोर्स फ्लैटेड रहेगा। यहाँ पर हमको कलर फॉर्मेट बताना होता है कि हम डॉक्यूमेंट को कैसे स्कैन करना चाहते हैं, कलर स्कैन करना चाहते हैं या ब्लैक एंड वाइट स्कैन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी ब्लैक एंड वाइट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट ही ब्लैक एंड वाइट है। फाइल का टाइप बता देंगे कि आप फाइल को कैसे स्कैन करना चाहते हैं, JPG के अंदर, PNG के अंदर, बाकी दो टाइप और हैं। यहाँ पर आप PNG को चूज़ करें या JPG को चूज़ करें, बाकी दो ऑप्शन को आप छोड़ दें। बाकी कोई और ऑप्शन आपको नहीं छेड़ना है स्कैन के ऊपर।